सो हे गाइस, न्यूज बॉय है तो फिर बात करते हैं खान सर के बारे में। तो खान सर ने भाई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यस, आपको पता होगा आज जो रक्षाबंधन है तो पता उनके स्टूडेंट्स ने उनको कितने राखी बांधे, वो है भाई 7,000 से भी ज्यादा। यस, उनका हाथ आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ है। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात कर चुके, केस टू के बारे में। तो इनको ना BGMI में जो एक आउटफिट मिला, ठीक है, जो कि मतलब काफी यूनिक है, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो जब उनको ये आउटफिट मिला ना, उनका क्रेजी रिएक्शन था भाई, उन्होंने जो घर में ही पटाखे फोड़ दिए। यस, आप देखिए ना। अरे मेरा इसका मेरा मॉनिटर जल गया। हे भगवान, मेरा मॉनिटर जल गया, मेरा मॉनिटर जल गया। माय गॉड, इट इज बैड। भगवान घटा हुआ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके, UK07 राइडर एंड जट प्रभजोत के बारे में। आपको बताओ, कुछ टाइम पहले UK07 राइडर एंड जट प्रभजोत जो एक दूसरे को पोक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। तो रिसेंटली ना एक अवार्ड फंक्शन में जो है जट प्रभजोत एंड UK07 राइडर मिले, एंड उन्होंने क्या कहा आप देखिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, सोचा नहीं था इतने सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे। हाँ जी, सोचा नहीं था जट प्रभजोत मिल जाएंगे, सोचा नहीं था इतना गहरा डिस्कशन हो जाएगा। भाई सही नहीं किया लेकिन तूने ना, आपने भी सही नहीं किया। सोचा नहीं था आप मेरे साथ ऐसा करोगे। आपका पोक तो छोड़ ही दो। हाँ। आजकल ये चल रहा है कि मैंने ना विराट कोहली और MS धोनी को पोक कर दिया। अच्छा, और कोई बचा ही नहीं है। और कोई बचा ही नहीं, एंड कर दो, एंड। मैं एक चीज बताता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे ना सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट बैक एंड पे ना वो भाईचारा ऑन टॉप वाला पॉइंट है ना, वही रहता है। रेगुलर बात होती है, इवन मेरी मम्मी को कंफ्यूजन हो गई थी, क्या चल रहा है भाई, तुम कर क्या रहे हो। फिर मम्मी को मैंने वीडियो कॉल करवाई, मतलब रुको पहले आपकी बात कराता हूँ, फिर यूके से बात कराई, उन्होंने यार चलता रहता। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात कर चुके, ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान अपने चैनल पर एक Q&A वीडियो अपलोड किए, जहाँ पे ऑफ कोर्स काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए ना। तो वहीं पे उनसे किसी ने पूछ लिया था कि क्या ट्रिगर्ड इंसान को ढिंचैक पूजा पे क्रश है। तो ये सवाल को लेकर जो वो थोड़ा सा गुस्सा भी थे। यस, आप देखिए, ट्रिगर्ड इंसान को ढिंचैक पूजा पे क्रश है। लाइक सीरियसली यार, मैंने 1000 बार बोल दिया है कि मेरे को ढिंचैक पूजा के साथ एसोसिएट करना बंद कर दो, फिर भी जिसे देखो क्या आपका ढिंचैक पूजा पे क्रश है, ढिंचैक पूजा आपका क्रश है, ढिंचैक पूजा आपका क्रश है। क्या आपको ढिंचैक पूजा पे क्रश है? बंद करो, मुझसे बार बार हर जगह ये क्वेश्चन पूछता है, क्या आपका ढिंचैक पूजा क्रश है। अरे यार, कितनी बार बताओ, इसके बारे में भी उन्होंने बताया, आप देखिए। वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग आई वुड थिंक। वैसे तो बिग बॉस वाले मुझे अप्रोच करने नहीं वाले, आई नो ये बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैल रही है कि बिग बॉस ने मुझे अप्रोच कर लिया ऑलरेडी, बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो नहीं करा है, बट अगर वो करेंगे तो सोचना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर बिग बॉस वाले मुझे जेन्युइनली अप्रोच करेंगे, शुड आई गो? कॉमेंट्स में बताना मेरे को, लाइक मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है कि मैं जाऊँ अगर वो बुलाएंगे। और यहाँ पे बिग बॉस 17 का बात हो रहा, तो बात करते फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान ने जो व्लॉग अपलोड किया अपने चैनल पर, वहीं पे वो अपने पापा को पूछते हैं कि क्या मुझे बिग बॉस 17 में जाना चाहिए। तो उनके पापा का क्या रिएक्शन था आप देखिए। ट्रॉफी, कैसा लग रहा है पापा, आपका बच्चा ट्रॉफी जीत गया है दोनों। अबे ये ट्रॉफी जीता क्योंकि तू बिग बॉस में गया था, तेरी वैल्यू बढ़ गई है। तो फिर इसी बात पे आप बोलो मैं बिग बॉस 17 कर लूं क्या? डन, पर इस बार नहीं। तो 17 को इसी 18-19 में देखेंगे। पापा कह रहे हैं अभी तो नहीं, तो थोड़े टाइम बाद देखना, ठीक है? बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स थे वो एक साथ मिलने वाले बिग बॉस सक्सेस पार्टी में शायद से। यस, आपको बताओ बिग बॉस खत्म होने के बाद जो पार्टी वगैरह होता है एक दिन, तो उसी दिन सारे कॉन्टेस्टेंट्स आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने हिंट दिया, आप देखिए। हमारे पास वो आया इनवाइट, एक बिग बॉस की पार्टी है बॉम्बे में, बहुत जल्दी सब आएंगे वहाँ पे। मेरे पे तो ना उनका कहना ये था कि जब तक फुकरा इंसान नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे ऐसा करके। और सुना गाइस, फुकरा इंसान की मॉम जो एक बहुत ही सीरियस रिक्वेस्ट की, जो भी ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान के फैंस है उनसे, उन्होंने क्या कहा आप देखिए। इतना कुछ क्लियर नहीं है, बहुत छोटी छोटी उस बच्चे ने रिकॉर्ड करी थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी पंचर करने की कोशिश करी, गाड़ी के ऊपर चढ़ के गाड़ी को डैमेज करने की कोशिश करी। आप ये देखो, इतनी ऊंची ऊंची फेंसिंग है, लोहा लगा हुआ है, लोहे के जंगले, उनको टाप के इतना अग्रेशन किस चीज का है। उस बच्चे ने बताया कि आंटी ये बोल रहे हैं अगर हमें मिलने नहीं दिया जाएगा तो हम आपकी गाड़ी डैमेज कर देंगे। तो ये कौन सा प्यार है बेटा आपका, किसी की प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर रहे हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज
हमारे घर मत आया करो, क्योंकि हमारी भी अपनी एक लाइफ है, प्राइवेट लाइफ भी होती है ना किसी की। आप हमें बहुत प्यार करते हो, एग्रेड, आप हमें सपोर्ट करते हो, एग्रेड। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप हमारे घर मत आया करो। तो गाइस आपको बताओ, कुछ टाइम पहले बेबी का जो एक इंटरव्यू आउट हुआ था, जहाँ पे बताया था कि एल्विश यादव को जो 70% वोट्स मिले थे, जबकि फुकरा इंसान काफी सारे इंटरव्यूज में बोल चुका है कि उनका एंड एल्विश यादव का नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हुआ था। तो क्या बेबी का उस टाइम गलत थी? तो शायद से वो गलत थी, क्योंकि वो एक स्टोरी पोस्ट की, आई ट्रस्टेड सम पब्लिश्ड मीडिया न्यूज अबाउट द वोटिंग between Elvis and Abhishek which was false. My apologies to everyone for believing and stating the false news. I just arrived out of Big Boss house and believed every first thing that I read. Also Fukra Inchan ka jo car hai Jaguar, usko damage karne ki koshish kiye the kuch fans, to usi ko lekar Fukra Inchan ki mom request ki thi. To yahan pe baby ka bhi ek story post ki. I recently saw a post where haters have damaged Abhishek's car. I'm really disappointed to see the unnecessary unbearable hate Big Boss contestants are receiving. Especially Abhishek is going through this. He has a special place in people's heart. Please don't throw hate on anyone. Everyone is doing great in their life after the show. Spread love and happiness. Judge less, love more. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, MC Stan के बारे में। तो MC Stan ने जो एक न्यू म्यूजिक वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, एंड गेस व्हाट, वहाँ पे उन्होंने जो MUA बंटाई को डिस किया। यस, अगर आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो टेक्नो गेमर्स के कंप्लीट हो गए अपने मेन चैनल पर 10 बिलियन व्यूज भाई। यस, 10 बिलियन व्यूज, मामूली नहीं होते यार। एंड उनके सब्सक्राइबर्स भी काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था कि शायद से वो कैरी को बहुत जल्द क्रॉस करने वाले, क्या लगता है आप लोगों को कमेंट में जरूर से बताएं। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में अभी एक न्यू रूल लागू किया गया। यस, आपको बताओ, बहुत सारे लोग अपने कार्स में जो स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ, हिंदू, जय श्री राम, तो वो सब चीजें अभी अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि फाइन भी लगेगा भाई। अगर बार बार फाइन काटने के बाद भी अगर वो सेम चीज करता है, फिर उसका गाड़ी को ही सीज कर दिया जाएगा। यस, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, आप देखिए। उत्तर प्रदेश में एक नया कानून लागू हुआ है, जिसमें अगर किसी ने अपनी गाड़ी के ऊपर जाति या फिर धर्म से जुड़ा कोई भी स्टिकर लगवा रखा है, तो उसको वहीं ऑन द स्पॉट हटवाया जा रहा है और ड्राइवर का चालान भी काटा जा रहा है। और आपने यार अक्सर गाड़ियों के ऊपर इस तरीके के स्टिकर जरूर देखे होंगे, तो अब से यूपी के अंदर ऐसा करने पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का चालान कट सकते हैं। और यूपी के अंदर अभी सिर्फ कुछ ही दिन पहले ये अभियान शुरू हुआ और अब तक 1000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान इसके लिए कट चुके हैं। जिसमें जाति सूचक शब्द, संप्रदाय सूचक शब्द, इन शब्दों के विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 179 मोटर व्हीकल एक्ट में 1000 रुपए का चालान है। अगर दूसरे टाइम आप ऑफेंस करते हैं तो 2000 रुपए का चालान है। अगर थर्ड टाइम आपकी गाड़ी मिलती है तो उसे सीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्लैक फिल्म पे 100 MB एक्ट में चालान है, जिसमें 2500 रुपए का पहली बार में, 5000 रुपए का दूसरी बार में, थर्ड टाइम अगर मिलती है तो गाड़ी आपको सीज कर दिया जाता है। चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, चंद्रयान 3 के बारे में। तो इसरो ने बताया कि मून में जो है ऑक्सीजन, आयरन एंड अदर एलिमेंट्स डिटेक्ट किया गया। अभी जो प्रज्ञान रोवर है वो तलाश कर रहे हाइड्रोजन का। भाई ये तो काफी बड़ी अपडेट है यार। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, आमिर खान के बारे में। आपको बताओ, आमिर खान जो बीच में ब्रेक लिए थे, वो कोई भी फिल्म वगैरह नहीं शूट कर रहे थे ना, उन्होंने बताया था कि वो जो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, आमिर खान का ब्रेक अभी खत्म हो चुका है। 2024 के क्रिसमस में उनका एक न्यू फिल्म आने वाला है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार का जो फिल्म है वेलकम 3, उसके साथ क्लैश होगा। यस, आमिर खान और अक्षय कुमार का फिल्म क्लैश होने वाला है। मतलब कंफर्म्ड नहीं है, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। क्या लगता है आप लोगों को, क्लैश होता है तो किसका फिल्म ज्यादा चलेगा, अक्षय कुमार या फिर आमिर खान? कमेंट में जरूर से बताना।